नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो सेलिब्रिटी प्रोफाइल और यह शो मिमी चक्रवर्ती की वास्तविक जीवनी पर आधारित है। मिमी चक्रवर्ती एक भारतीय अभिनेत्री एवं राजनेत्री हैं। मिमी चक्रवर्ती का जन्म 11 फरवरी 1989 को उत्तर बंगाल के जलपाईगुड़ी में हुआ था। मिमी के पिता का नाम अरुण चक्रवर्ती है एवं मिमी की माताजी का नाम तापसी चक्रवर्ती है। मिमी अपने बचपन में कुछ साल अरुणाचल प्रदेश के देवमाली कस्बे में भी रही हैं। मिमी चक्रवर्ती की शुरुआती शिक्षा जलपाईगुड़ी के होली चाइल्ड स्कूल से हुई है। इसके बाद मिमी ने बिन्नागुड़ी के सेंट जेम्स स्कूल में दाखिला लिया। अपनी माध्यमिक शिक्षा पूरी करने के बाद मिमी ने आगे की पढ़ाई के लिए कोलकाता की तरफ रुख किया। अपने कॉलेज के दिनों में मिमी ने फेमिना मिस इंडिया में एक मॉडल के तौर पर भाग लिया। उस समय मिमी की आर्थिक स्थिति कुछ ठीक नहीं थी, पर कुछ बड़ा करने का जज्बा जरूर था। इसके बाद सन 2008 में मिमी ने एक टीवी सीरियल चैंपियन से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की। सन 2010 में मिमी ने स्टार जलसा के गाने रोपारे टीवी सीरियल में मुख्य भूमिका निभाई। इस टीवी सीरियल में अच्छा अभिनय करने के कारण मिमी चक्रवर्ती बंगाल में काफी लोकप्रिय हो गयी। मिमी को इस सीरियल से टेली सम्मान अवार्ड भी मिला है। इसके अलावा बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी मिमी के अभिनय को काफी सराहा और मिमी को आगे बड़ी कामयाबी हासिल करने का आशीर्वाद दिया। सन 2011 में मिमी चक्रवर्ती ने कोलकाता के आशुतोष कॉलेज से बैचलर ऑफ आर्ट में ग्रेजुएशन किया है। 7 दिसंबर 2012 को मिमी चक्रवर्ती ने बंगाली फिल्म बापी बारीजा से बड़े पर्दे पर कदम रखा। इस फिल्म से मिमी चक्रवर्ती ने राइजिंग स्टार फीमेल कैटेगरी का बिग बांग्ला राइजिंग स्टार अवार्ड जीता है और इसी फिल्म से मिमी चक्रवर्ती ने बेस्ट प्रोमिसिंग एक्ट्रेस कैटेगरी का बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड जीता है। इसके बाद मिमी चक्रवर्ती ने 20 से ज्यादा बंगाली फिल्मों में शानदार अभिनय किया है। मिमी चक्रवर्ती अनुराग बासु व विद्या बालन के साथ भी काम कर चुकी हैं। अभिनेत्री के अलावा मिमी चक्रवर्ती एक गायिका भी हैं। इन्होंने कई फिल्म्स एवं एल्बम्स में गाने गाए हैं और मिमी कई म्यूजिक वीडियोस में भी नजर आ चुकी हैं। बंगाली फिल्मों की सुपरस्टार बनने के बाद मिमी ने काफी सामाजिक कार्यक्रमों में हिस्सा लिया है। मिमी चक्रवर्ती बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन व सुपरस्टार शाहरुख खान के साथ स्टेज शेयर कर चुकी हैं। मिमी चक्रवर्ती कई कार्यक्रमों में ममता बनर्जी के साथ भी स्टेज शेयर कर चुकी हैं। मिमी की लोकप्रियता व इनके सोशल कामों को देखते हुए ममता बनर्जी ने जादवपुर से मिमी चक्रवर्ती को 2019 के लोकसभा चुनाव में अपना उम्मीदवार बनाया और मिमी चक्रवर्ती ने 2,95,239 वोटों से जादवपुर में बीजेपी को हराकर जीत हासिल की। ममता बनर्जी ने मिमी के अलावा मिमी की सहेली व अभिनेत्री नुसरत जहां को भी चुनाव में उतारा था और इस जोड़ी ने अलग अलग संसदीय क्षेत्र से शानदार जीत हासिल की। उसी दौरान मिमी और नुसरत की सोशल मीडिया पर एक पिक्चर वायरल हुई। दरअसल मिमी और नुसरत एमपी का चुनाव जीतने के बाद अपना मेंबरशिप कार्ड लेने वेस्टर्न कपड़ों में संसद भवन पहुंची थी, जो कि एक भारतीय राजनेता या राजनेत्री के लिए सही नहीं है कि वह देश की संसद में विदेशी संस्कृति का प्रतिनिधित्व करे। मिमी और नुसरत के इस रवैये से पूरे भारत में इनकी खूब आलोचना हुई। संसद भवन कोई फिल्म का स्टूडियो नहीं, बल्कि एक पवित्र मंदिर है। इस पवित्र मंदिर में 130 करोड़ भारतीयों के अधिकारों पर फैसले होते हैं। इस पवित्र मंदिर में 130 करोड़ भारतीयों के हक की आवाज़ उठाई जाती है और लोगों ने भी इन्हें अपनी आवाज़ बनाकर इस पवित्र मंदिर में भेजा है। आलोचना के बाद मिमी और नुसरत ने अपनी जिम्मेदारियों को गहराई से समझा और अगली बार ये दोनों संसद भवन में पूरे पारंपरिक ढंग से पहुंची। संसद भवन की सीढ़ियों को प्रणाम करते हुए मिमी और नुसरत ने देश की सदन में प्रवेश किया और दोनों ने अपनी सदस्यता की शपथ ली।
इतनी आलोचना होने के बाद भी मिमी चक्रवर्ती ने चेंज का हवाला देकर पूरे विवाद को बिना माफी मांगे ही समेट दिया। इस कंट्रोवर्सी के चलते मिमी चक्रवर्ती और नुसरत जहां काफी सुर्खियों में रही और पूरे भारत में प्रसिद्धि हासिल की। सुर्खियां बटोरने के लिए मिमी को विवादों में रहना पसंद है, पर वास्तविक जीवन में मिमी चक्रवर्ती काफी धार्मिक हैं। मिमी चक्रवर्ती स्वभाव से बहुत ही खुले दिल की हैं और थोड़ी सी जिद्दी भी हैं। मिमी को अपने स्टारडम का बिल्कुल भी घमंड नहीं है। मिमी लगातार अपने प्रशंसकों से मिलती जुलती रहती हैं। मिमी चक्रवर्ती को जानवरों से बहुत लगाव है। जानवरों के लिए मिमी ने एक हेल्थ सेंटर भी बनवाया है। मिमी चक्रवर्ती अक्सर अपने पालतू कुत्तों के साथ नजर आती हैं। फिट रहने के लिए मिमी चक्रवर्ती रोजाना जिम के साथ साथ योग भी करती हैं। मिमी चक्रवर्ती को ट्रेवलिंग करना काफी अच्छा लगता है। मिमी चक्रवर्ती को कोलकाता का पुचका बहुत पसंद है। मिमी चक्रवर्ती के पसंदीदा अभिनेता शाहरुख खान हैं एवं मिमी की पसंदीदा अभिनेत्री रानी मुखर्जी हैं। मिमी चक्रवर्ती के पसंदीदा क्रिकेटर सौरभ गांगुली हैं, जबकि मिमी चक्रवर्ती का पसंदीदा खेल फुटबॉल है। मिमी चक्रवर्ती के फिल्मी सफर से लेकर पॉलिटिकल सफर तक ममता बनर्जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मिमी शुरू से ही ममता बनर्जी की पार्टी से जुड़ी हुई थी। मिमी अपनी फिल्मों के अलावा अपने संसदीय क्षेत्र के कामकाज में काफी व्यस्त हैं और अपने क्षेत्र के लोगों के लिए पूरी ईमानदारी से काम कर रही हैं।